मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पल्लप्पम की रेसिपी। पल्लप्पम जो कि केरल का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है, इसको हम इंजॉय करेंगे रसम के साथ और ये स्टफिंग वाली जो हमने सब्जी बनाई है उसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। पल्लप्पम बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी और एक कटोरी छाछ। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप दही लें और दही में आधा कटोरी दही हो तो आधी कटोरी पानी होना चाहिए, तो वो आपकी छाछ तैयार हो जाएगी। ये जो मेज़रमेंट है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब हम सूजी को एक बड़े बाउल में इस तरीके से ले लेंगे। और अब इसमें जो हमने ये छाछ ली है, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, इसको इसी में डाल देंगे। धीरे धीरे करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। धीरे से इसको मिला लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें इस कटोरी में हमने बटर मिल्क लिया था लगभग 2 से 4 चम्मच पानी डालकर इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें उत्तप्पम से थोड़ी पतली ही रखनी है। ये देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे, उतनी देर में हम अपना इसका मसाला तैयार करेंगे। अब हम रसम के लिए मसाला तैयार करेंगे। रसम के लिए जो मसाला लिया है उसमें हमने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 10 से 12 कलियां लहसुन की ली हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है हमने। अब हम इसमें अपने ये मसाले डाल लेंगे, जीरा, काली मिर्च, धनिया, लहसुन और ये अदरक। इसको छोटा छोटा चॉप करके इसमें ले लेंगे, रफली चॉप्ड अदरक, कुछ स्लाइसेस हमने अनियन की ली हैं इसमें डालने के लिए। आप चाहें तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। अब इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने 9 से 10 टमाटर लिए हैं, उनको हमने स्टीम कर लिया है ताकि इनका छिलका निकल जाए। इस तरीके से सभी टमाटर के छिलके हटा लेंगे ताकि ये छिलके हमारे मुंह में ना आए रसम खाते समय। टमाटर के सारे छिलके हमने हटा लिए हैं और इनको रफली चॉप रख लिया है। अब हम रसम तैयार करेंगे। हमने ये इमाम दस्ता लिया है टमाटर को क्रश करने के लिए। ये देखिए टमाटर हमने लिए हैं, इसको हम इमाम दस्ते में क्रश करेंगे। इसको हम इमाम दस्ते में इसलिए क्रश कर रहे हैं क्योंकि जब हम इमाम दस्ते में या सिलबट्टे पे टमाटर को क्रश करते हैं तो जो टमाटर के अंदर बीज होते हैं वो पिसते नहीं हैं। ये बीज आगे चल के किडनी स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। टमाटर डालने के बाद बारीक चॉप किया हुआ करी पत्ता इसी में डाल देंगे और हरा धनिया। अब हम इसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस चुकी हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा पूरा पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे रसम तैयार करेंगे। हमने गैस का फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर पैन चढ़ा दिया है और उसमें लगभग 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है, उसको गर्म कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून इसमें बनारसी राई डाल देंगे। राई हमारी अच्छे से तड़कने लगी है। अब इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे, 2 सूखे लाल मिर्च डाल देंगे, 2 हरी मिर्च और एक ये बड़ा मिर्च हमने काट करके ले लिया है, मोटा वाला। ये ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। 2 फ्रेंच बीन्स और खूब सारा करी लीव्स इस तरीके से तोड़ करके डाल देंगे। Thank you.
अब हम इसमें मसाले को डाल देंगे जो हमने पीस करके रखा है। 2 पिंच हल्दी पाउडर। अब जो ये हमने टमाटर की प्योरी तैयार की है उसको भी इसमें डाल देंगे। इस तरीके से मिक्स कर देंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। आधी कटोरी पानी। इसमें एक फाइन कलर लाने के लिए मैं बीट रूट डाल रही हूँ। आप यहाँ पे देगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं देगी मिर्च की जगह पे रसम में ये बीट रूट ही डालती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है। देखिए रसम हमारी अच्छे से खोल रही है। अब इसी स्टेज पे हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। अब हमारी रसम सर्व करने के लिए हो गई तैयार। सर्व करने से पहले ये जो हमने चंक्स डाले थे बीट रूट के, इनको हम निकाल लेंगे। अब हम पलप्पम के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 7 से 8 आलू लिए हैं। स्वादानुसार नमक लेंगे। 1 बड़ी कटोरी ये हमने लिया है मटर, हरा वाला मटर, इसको हमने बॉयल करके ले लिया है। कुछ हमने गाजर को ग्रेट करके लिया है। 1 छोटा प्याज कट करके लिया है। पत्ता गोभी, 1 टुकड़ा बीट रूट का ग्रेट करके लिया है। 1/2 शिमला मिर्च, अगर बड़ा है तो आधा और छोटा है तो 1 शिमला मिर्च ले लें। ग्रेट किया हुआ जिंजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ करी पत्ता और कुछ खड़े मसाले, उसमें मैंने मेथी दाना, जीरा, सौंफ, अजवाइन और कलौंजी, ये सारी चीज़ें मैंने 1/4 ली हैं, यानी 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया है राई, 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून साबुत धनिया। गैस के ऊपर हमने एक पैन रख लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमने राई दाना लिया है उसको डाल देंगे, हींग डाल देंगे और ये सारे खड़े मसाले इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे। राई तड़कने के बाद इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक, करी मिर्च और हरी मिर्च इनको भी डाल देंगे। अच्छे से स्टर कर लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून लाल नमक, मिर्च अपने स्वादानुसार आप इसमें डाल सकते हैं। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हरी मटर के दाने डाल देंगे। मटर हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब जो हमने ये आलू लिए थे उनको इस तरीके से फोड़ लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक स्वादानुसार। अब थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद जो हमने ये ग्रीन वेजिटेबल्स ली हैं उनको भी इसी में डाल देंगे और इनको अब हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है। इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे ताकि इनका क्रंचीनेस बरकरार रहे। ये देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये ग्रीन कोरिएंडर, ये इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ा देगा। अब आपको बस एक काम करना है, इसको टेस्ट करना है और मुझे बताना है कमेंट करके कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब आगे का काम करेंगे। ये देखिए पलप्पम का जो बैटर है वो अभी गाढ़ा है, अच्छे से सूजी हमारी फूल चुकी है। अब हम इसमें लगभग 4 से 5 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जितना हमारा डोसा बैटर होता है उसे थोड़ा सा हमें इसको थिक रखना है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। ये देखिए बैटर की जो हमारी कंसिस्टेंसी है उसको देख लीजिए आप, इस तरीके से होनी चाहिए। गिराने पर इस तरीके से गिर रहा है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें आपको देने जा रहे हैं एक कमाल का टिप, इससे आपके जो पलप्पम है बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। इस तरीके से एक प्याज को कट करके ले लीजिए और उसमें कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे।
इससे हमारे पलकपम जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे। तवा हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। एक सर्विंग स्पून इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से सभी तरफ फैला देंगे। पलकपम हमारा अच्छे से सिक चुका है, इसमें बबल्स आ चुके हैं। अब इसमें हम स्टफिंग रख देंगे और इस तरीके से इसको इस तरीके से फोल्ड करके हमने ले लिया है दोनों साइड से। इसी तरीके से हम सारे पलकपम अपने तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पलकपम, रसम और उसकी स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम इंजॉय करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को करें सब्सक्राइब, ताकि इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक ज़रूरी चीज़ कि इसी तरीके का हेल्दी नाश्ता खाएँ, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।